हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम ड्राइव डाउन कर गए फ्रॉम हैदराबाद टू बिदर। एक्चुअली वही इतने दिन से होली के टाइम था तो मम्मी के आई थी, बट अभी अब घर वापस जाने का टाइम आ गया है एंड कूवी का भी एडमिशन कराना है। पर कूवी बहुत सैड है। सैड है बेटा? क्यों बेटा? नानी के यहाँ तो हम लोग इतने दिन से रुक के आए थे ना। इसको अपने नानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसको वहाँ पे तो बहुत मस्ती, सारे बच्चों की तो नानी के यहाँ बहुत मस्ती होती है। पर अभी कूवी को स्कूल भी जाना है ना, स्कूल में भी एडमिशन कराना है, पढ़ाई भी करना है। तो समर वेकेशन में हम नानी के आएंगे, बोलो ये। या फिर नानी आ जाएगी तुम्हारे पास जब नानू फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत सैड थी, बट इसका मूड फ्रेश करने का हम कोशिश कर गए एंड ड्राइव कर गए। तो चलिए, बीच में प्लान है डेकैथलॉन जाने का। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ वहाँ पे क्या कलेक्शन है, कुछ स्पोर्ट्स वेयर लेना है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। गाइस, आप देख रहे हैं हम डेकैथलॉन आ गए हैं। ये एयरपोर्ट के पास है। फाइनली गाइस, हम डेकैथलॉन आए हैं ना, और हैदराबाद एयरपोर्ट के पास। अभी चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सारी चीज़ें आ गए हैं। बहुत बड़ा स्टोर है ये स्पोर्ट्स वेयर का। चीज़ें भी रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं। तो चलिए पहले हम शॉपिंग करते हैं। कूवी जो है अपना मटेरियल ले चुकी है, जो भी इसे खरीदना है। बॉल ली है। हाँ, बॉल ली है। और गेम का क्या है मम्मा? हाँ, गेम का भी देखते हैं। काफ़ी सारे स्टफ तो है यहाँ पे, बट पैसे भी लग रहे हैं। देखते हैं जो भी यूज़फुल है वो हम देंगे। फिलहाल तो प्लान यही है, बस हस्बैंड के लिए टी शर्ट्स लेना है। यहाँ पे मास्क कंपलसरी है। एक्चुअली मैं मास्क लेके नहीं आई थी, तो मुझे ये मास्क बाहर से परचेज करना पड़ा। देखें, अभी हमारी सर्च जारी है क्या सब चीज़ें हैं यहाँ जो हमें पसंद आएगी वो चीज़ें हम लेंगे। आपको इस यहाँ से झलक दिखाती हूँ। बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टफ है। तो एक्चुअली होता ये है कि हर बार तो मेरी या कूवी की शॉपिंग होती है, बट इस बार मेरे हस्बैंड की शॉपिंग की आए हैं। वो जनरली कम ही शॉपिंग करते हैं, या फिर मैं ज़बरदस्ती उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले आती हूँ। एंड जहाँ तक है स्पोर्ट्स फेयर की बात, दैट्स वाई वो आज यहाँ आए हैं स्पोर्ट्स फेयर लेने के लिए। तो चलते देखते हैं क्या वो लेते हैं, क्या उन्हें पसंद आती है। कूवी एक्सरसाइज करके, कूवी कम ऑन एक्सरसाइज। वाओ, चलो चलो चलो, देखो तुम्हारे लिए वो मैंने खरीद लिया है रोप। आ जाओ, खरीद लिया है, आ जाओ। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है। हस्बैंड के लिए दो टी शर्ट लिया है, एक शॉर्ट लिया है एंड वन इलास्टिक बैंड लिया है। तो अब हम डेकैथलॉन से निकल गए हैं और कूवी बहुत नाराज़ है, देख रहे हो आप, क्योंकि कूवी को ना कैंप वाला टेंट चाहिए था। कूवी बोल रही है क्या कि मामा मुझे कैंप वाला टेंट खरीद दो और मैं वो टेंट लेके जंगल में जाऊंगी, कैंपिंग करूंगी, बैठूंगी। अब इतना छोटा बच्चा कैंपिंग क्या करेगा? 13,000 का था वो टेंट कूवी, पता है बहुत महंगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, और जब तुम जाओगी जंगल में कैंपिंग करने, तब मैं खरीदूंगी, ठीक है? अभी तो तुम बहुत छोटी सी बेबी हो, है ना। तो अब हम चल रहे हैं, अब हम बिदर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आगे। बीच में एक पतन चलू एक जगह है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट आता है, ठीक ठाक है वहाँ, अच्छा है, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा है। कुछ स्नैक्स वगैरह का मन कर रहा तो वहाँ पे कुछ स्नैकिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ लेंगे। देखिए शाम के 6 बज रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ये यहाँ का
ही बोली एरिया है हैदराबाद का, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड। एंड यहाँ पे हैदराबाद की पूरी आईटी सेक्टर जो है ये हैदराबाद में यहीं पे सेटल हुई है। काफ़ी अच्छा, हम तो ये आउटर रिंग रोड से जा रहे हैं, जितना मैं मुझे दिख रहा है मैं वो उतना व्यू आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं, अपार्टमेंट वगैरह बन रहे हैं। फाइनली गाइस पूरी रात हो गई है एंड हम पतंजलि पहुँच गए हैं। आपको एक्चुअली मैंने कहा था यहाँ पे रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छा, बट वो थोड़ा पीछे है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस थी। खूबी भी सो चुकी है, वो कार मैं दिखाती हूँ कि फ्रेंड वो सोई हुई है। तो फाइनली ये वाला रेस्टोरेंट दिखा है तो अब यहाँ पे कुछ खा पी लेंगे, हल्का फुल्का कुछ स्नैकिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं, मैंने दो समोसे लिए, वो भी समोसा बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो भी सो रही है। चलो 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 चल गए एंड एक ऑरेंज जूस पिया, घर की तरफ चलते हैं। काफ़ी रात हो गई है, अब यहाँ से हमें 2 आवर्स लगेगा, 7 अभी 7 हो गए, 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद बात करते हैं। मेरे फ्रेंड्स हम घर पहुँच चुके हैं एंड अब बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगी है, बस खा के सोने वाले हैं। ये देखिए ये टिफ़िन है ना, इसमें मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी दी है एंड चपाती दी है, अब हम जल्दी से खाएंगे, कूबी को खिलाएंगे एंड रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। और रात भी हो गई है, 9 बज गए रात के, आप भी रेस्ट कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। और अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं।